हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे स्केच आउटफिट का 9 डे है और जो आउटफिट है मेरा, मैंने ना काफ़ी पहले ही रेडी कर लिया था, बट इस मेरे के अभी बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई थी और मैं होली पे के गाँव वाँव गई थी, तो इसके कारण मैंने सूट नहीं किया था। बाकी मैंने जो आउटफिट रेडी कर लिया था वो मैंने होली से पहले ही रेडी कर लिया था, बट गाँव गई थी ना तो इसके कारण मैंने सूट नहीं कर पाया। मैंने सोचा था कि गाँव जाऊँगी ना तो वहाँ पर सूट कर लूँगी, बट मेरे को टाइम वाइम भी नहीं मिला बिल्कुल भी और मैंने सूट भी नहीं कर पाया। और अभी मेरी काफ़ी दिन से तबीयत खराब चल रही थी तो आज अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक है। अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा कि मेरी अभी गला अभी भी ख़राब हो रखा है। अभी मैंने टैबलेट वगैरह ले लिया तो अभी थोड़ा सा आराम है। तो आज फाइनली मैंने इस वाली ड्रेस का सूट कर लिया क्योंकि मेरे पास कुछ भी था भी नहीं डालने के लिए, तो मैंने सोचा आज इसको सूट कर लेती हूँ। तो आज मैंने फाइनली सूट कर लिया और अभी मैंने सूट करके ही उठी हूँ, तो अभी मैंने अपनी हेयर स्टाइल भी चेंज नहीं करी। मैंने कहा इस बार कुछ नए हेयर स्टाइल में बैठी रहती हूँ, वैसे तो मैं अक्सर ज़्यादातर जूड़े में ही दिखती हूँ आप लोगों को, तो मैंने अभी हेयर स्टाइल भी नहीं हटाई। मैंने सोचा पहले वीडियो शूट कर लेते हैं। तो आउटफिट मेरा काफ़ी अच्छा है और आउटफिट इंडियन आउटफिट के अकॉर्डिंग ही है और वेडिंग से रिलेटेड ही है। आप इसको किसी भी शादी आदि में बना सकते हैं, शादी में पहन सकते हैं किसी भी फंक्शन के अकॉर्डिंग। और इसका जो कलर है ना, वो मेरे को ऐसा लगता है कैमरे में थोड़ा बहुत कलर उसका चेंज आया है, बाकी जो उसका जो कलर है आई थिंक चेरी रेड कलर में है और हल्का सा पिंक साइड में है, मतलब पूरा डार्क पिंक में भी नहीं है, हॉट पिंक में है, ऐसा कुछ है, मतलब पूरा कैमरे में रेड जैसा दिख रहा है बट उसका जो कलर है ना वो पिंक में हल्का सा जा रहा है, मतलब पूरा रेड में नहीं है। बट कैमरे में मैंने कोशिश तो बहुत करी बट फिर भी रेड ही आ रहा है। मैं क्या करूँ, मैंने हर तरह से ट्राई किया बट वो रेड ही आ रहा है, पर वो रेड कलर का आउटफिट नहीं है क्योंकि आउटफिट उसको कैमरे में मैंने कई बार देखा तो उसमें ना चेक किया ना तो वो रेड कलर ही आ रहा है, लेकिन वो हल्का सा पिंक में है। और आउटफिट के सूट तो मैंने पूरा कर लिया है, अच्छा आउटफिट अच्छा दिख रहा है, काफ़ी सारा घेर है। उसके लिए मैंने ना कितने 3 साड़ी ली हुई हैं जो कि 250-250 की, मेरे को एक साड़ी पड़ी है, 3 साड़ी ली है मैंने उसके लिए। और एक साड़ी है जिसमें हमारा पूरा सूट बना है ऊपर से लेके नीचे तक का, और जो एक और जो साड़ी थी मैंने उसमें मैंने नीचे अम्ब्रेला प्लाजो बनाया हुआ है और दुपट्टा हमने एक साड़ी में निकाला। 2 साड़ी में हमारा जो पूरा सूट बना है जिसमें अच्छा खासा घेर है वो बना हुआ है। तो उसके लिए जो मैंने साड़ी की जो प्राइस है वो सेम ही साड़ी है, हमारी दुपट्टा से लेके प्लाजो तक का जो साड़ी है वो एक ही जैसी साड़ी है, और 250 रुपये की मुझे एक साड़ी पड़ी थी तो मैंने 3 साड़ी ली थी। और मैंने ना क्या किया कि जो सूट बनाया ना लेयर वाला बनाया, जब अभी आप देखेंगे ना आउटफिट पूरा, तो उसमें मैंने जो सूट बनाया ना पूरा लेयर वाला बनाया, उसका जो टॉप पार्ट है हमारा ये जो वाला बॉडी वाला, तो उसमें सिर्फ अस्तर लगाए सूट में, और जबकि नीचे जो फ्लोर तक है उसमें हमने अस्तर का यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमने उसके नीचे प्लाजो बनाया है ना तो उसमें अस्तर लगाया। तो जो 3.5 मीटर का प्लाजो बनता है ना उसका मैंने उसमें अस्तर लगाया, तो उसमें मैंने जो क्रैप का अस्तर यूज़ किया है वो 3.5 मीटर यूज़ किया है, क्रैप का प्लाजो में हमने यूज़ किया है, इसलिए हमने पूरे में घेर में अस्तर नहीं लगाया है। आप चाहे अगर आपका फैब्रिक मोटा है ना तो आप लेगी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने क्या किया कि नीचे प्लाजो बनाया क्योंकि अगर इन फ्यूचर मुझे बाई चांस प्लाजो के ऊपर अगर ब्लाउज बना लूँगी ना तो दुपट्टे के साथ में एक और ड्रेस बन जाएगी, तो इसलिए मैंने उसमें प्लाजो बनाया। आप चाहे तो लेगी भी ले सकते हैं और इस टाइप का जैसा मैंने बनाया सेम उस तरह से भी बना सकते हैं। तो इसकी जो कटिंग स्टिचिंग का जो वीडियो है ना वो मैं अलग अलग पार्ट में अपलोड करूँगी क्योंकि प्लाजो का अलग करूँगी और पूरा जो हमारा सूट का है वो अलग अपलोड करूँगी। कटिंग स्टिचिंग के वीडियो मैंने बनाया है तो वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी क्योंकि जैसे आप लोग समझ पाएँ, तो मैं क्या अलग अलग करूँगी क्योंकि दोनों को कर रही हूँ ना एडिट तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, तो इसलिए मैं अलग अलग पार्ट में उसको अपलोड करूँगी। तो 250 की तो हमारी साड़ी पड़ी है, 1 साड़ी 250 की है, तो आप 3 को मतलब जोड़ लेना कि कितना पड़ रहा है। होगा तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पूरा लिख के दे दूंगी कि कितने की क्या पूरा मटेरियल हमारा कितने का पड़ा है। और जो अस्तर यूज़ किया है वो मैंने 3 मीटर किया है क्योंकि 40 रुपये के हिसाब से मिला है, क्रैप का अस्तर है। वैसे तो मैं 3.5 मीटर लेती हूँ लेकिन इसमें क्या कि 50-60 का था ना तो मैंने फिर 3 मीटर लिया है। और इसकी जो लैस मैंने हाथ में लैस यूज़ की हुई है यहाँ पे, और जो पूरे दुपट्टे में लैस यूज़ की हुई है, और एक मैंने नेक पे मतलब फ्रंट वाले नेक पे और एक बैक वाले नेक पे भी अलग से यूज़ किया है। तो वो मेरे को जो बैक पे मैंने यहाँ पे गले में जो लगाई है लैस वो मेरे को पूरी 30 रुपये मीटर के हिसाब से, पता नहीं कितने की है, मतलब 30 रुपये की है आई थिंक, 3-4 मीटर ली है मैंने वो वाली, वो 30 रुपये की आई थिंक पड़ी होगी। और जो मेरे को जो दूसरा मैंने जो दुपट्टे में पूरा लगाया है ना वो 310 पता नहीं ऐसा कुछ, मतलब 350 में पूरी हमारी टोटल लेस बढ़ी हुई है। तो 350 की तो टोटल हमारी लेस पड़ गई थी। और पीछे से मैंने इसका बैक जो सूट का जो डिज़ाइन है ना बैक का जिगजैग वाला पैटर्न बनाया क्योंकि मेरे पास ऐसा था नहीं और बहुत ही अच्छा लगा, वैसे बनने के बाद भी बहुत सुंदर दिख रहा था सूट। तो आप लोग जब देखोगे ना तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आपको वो वाला सूट कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को। बाकी कटिंग स्टिचिंग भी बहुत ही ईजी है, कोई इतना टफ नहीं है, बाकी मैंने बनाया तो आप लोग ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आउटफिट कैसा लगा। और अभी ना मेरे को
मैंने अभी कुछ मतलब बहुत पहले ही बनाया था वो आउटफिट। एक मेरा लैवेंडर कलर का एक लहंगा है नेट का, जो काफी सारा घेर है, मैं आपको यहाँ कहीं पे पिक दे दूंगी वो वाले लहंगे की। वो वाला लहंगा ना अभी पूरा न्यू है, मतलब अभी भी एक बार भी रेंट पे नहीं गया मेरे, ज्यादातर लहंगे रेंट पे देती हूँ मैं। बट मेरे पास एक वो वाला लहंगा है और एक रामा ग्रीन कलर का लहंगा, तो दोनों लहंगे की मैं आपको पिक दे दूंगी। तो ये दोनों लहंगे ना मैं सेल करना चाहती हूँ, तो अगर आप लोगों को लेना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। तो अगर आप लोग इससे रिलेटेड जो भी जानकारी लेना चाहे, तो उसको जो हमारा रामा ग्रीन कलर वाले लहंगे का जो घेर है पूरा 9 मीटर है और बिल्कुल फ्रेश पीस रखा है, उसको मैंने अभी रेंट पे एक बार भी नहीं दिया। लैवेंडर वाला है जो, उसको भी मैंने रेंट पे एक बार भी नहीं गए वो दोनों आउटफिट। तो मैं सोच रही हूँ उसको मैं सेल कर दूं, क्योंकि काफ़ी लोगों के मुझे डीएम भी आ रहे थे कि आप इस कोई लहंगे सेल कर रहे हो तो आप मुझे बता देना। तो अगर जो लोग भी, अगर आप लोग इनमें से कोई भी लहंगा लेना चाहता है, तो मेरे पास आपको ध्यान रखना कि सिंगल सिंगल पीस ही है। तो अगर आपको इनमें से दोनों में से जो भी लहंगे आप परचेस करना चाहते हो, उससे रिलेटेड जो भी जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे इसके लिए इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। तो मैं उससे रिलेटेड जो भी जानकारी रहेगी वो मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगी। और बाकी जैसा कि आपको दिख रहा है पूरा फ्रेश पीस है, क्योंकि यही दो लहंगे हैं जो अभी तक मेरे रेंट पे नहीं गए हैं। बाकी ज्यादातर मेरा आउटफिट जो रेंट पे जाते हैं वो मैं सेल नहीं करती हूँ। जैसे कि अगर मेरे पास कोई फ्रेश लहंगा है, अगर कोई लेना चाहता है तो मैं उसको सेल कर देती हूँ। तो जैसे अगर मैंने अभी ये दो लहंगे बनाए, तो काफी लोगों के डीएम आ भी रहे थे कि अगर आप कोई लहंगा सेल करो तो मुझे बताना। तो मेरे पास यही दो लहंगे हैं जो फ्रेश है, तो अगर आप लोग उसको वाई करना चाहते हैं, उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। तो मैं उससे रिलेटेड जो भी जानकारी रहेगी वो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी। और पूरा जितना घेर आपको दिख रहा है ना अप टू डेट, उतना का उतना ही सेम टू सेम ही मिलेगा। और ये फ्री साइज के लहंगे बनाए हैं मैंने, कम से कम 38 से 40 साइज तक का है ये लहंगे दोनों, 38 से 40 साइज इजिली आ जाएगा। तो ये जो रामा ग्रीन है वो भी फ्रेश ही है, और जो लेवेंडर वाला है वो भी, उसमें रामा ग्रीन में हमने अम्ब्रेला में कट किया है, और जो नेट वाला है उसमें मैंने पूरी 100 मीटर नेट का यूज़ किया हुआ है। तो उसके मैंने कटिंग स्टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है मेरे चैनल पे, तो आप वहाँ भी जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को खरीदना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना आउटफिट देख लेते हैं, और आउटफिट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे ढेर सारा प्यार देना इस वाली वीडियो को। और फिर इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट आउटफिट के साथ, तब तक आप मेरा आउटफिट देख लो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर। तो ये है हमारे आउटफिट का पूरा फाइनल लुक। आपको कैसा लगा ये आउटफिट कमेंट करके जरूर बताना। और काफी टाइम के बाद मैं इस आउटफिट का वीडियो ला पाई हूँ, उसके लिए सॉरी। पर आपको होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और आप देख सकते हैं इसमें इस तरह की डिटेलिंग है, इसमें सिर्फ दुपट्टे में मैंने लेस लगाई हुई है, और यही लेस मैंने इसमें हाथ में भी यूज़ किया हुआ, नेक पे भी, यहाँ पे भी इसको यूज़ किया है। और बाकी हमारा पूरा प्लेन है, इसमें हमने नीचे साइड यहाँ पे अस्तर नहीं लगाया है, सिर्फ इतने इतने में टॉप पार्ट में हमने अस्तर का यूज़ किया हुआ है। और नीचे हमने इसके ये प्लाजो बनाया है, अम्ब्रेला घेर प्लाजो, और इसमें अस्तर लगा हुआ है, इसलिए हमने इसमें घेर में अस्तर नहीं लगाया है। और इसमें काफ़ी सारा घेर है, बाकी इसमें हमने आपको आगे बता ही दिया कि कितनी साड़ी कितना क्या मटेरियल लगा है पूरा। तो आप लोग मुझे बताना उसके अकॉर्डिंग कैसा है। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और इसके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट आउटफिट में, जल्दी ही मैं वो वाला आउटफिट लाऊंगी, क्योंकि अभी मेरी क्या तबीयत ठीक नहीं है। अब आप देख भी रहे होंगे कि मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी अभी क्लियर नहीं हो पा रही है, क्योंकि गला भी अभी भी ख़राब है मेरा। तो होप कि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और बैक से कुछ इस तरह से इसकी डिज़ाइन आप देख सकते हैं, और डोरी है, और इसके ये जो टैसल्स हैं आप इसको भी देख सकते हैं। तो इस पे भी मैंने टैसल्स में भी ना लेस लगाई हुई है, आप देख सकते हैं, ये देखिए इसमें भी टैसल्स में लेस लगाने से क्या इसका जो लुक है वो बैक का बहुत सुंदर दिखा है। इसमें घेर ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा घेर है, तो 3-2 साड़ियों का घेर तो ऑलरेडी वैसे भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग मुझे जरूर बताना कि आपको इसकी वीडियो कैसी लगी, इसकी कटिंग स्टिचिंग का वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। मुझे वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।